दोस्तों गुड मॉर्निंग एम एस काश में आप लोग का स्वागत है और तय दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। मेरे भाई आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मैं भगवान से प्रे भी करूंगा और अब से दुआ करूंगा कि आप लोग के सिलेक्शन अच्छे जगह हो और आप लोग की एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से निकले और कोई दिक्कत ना हो सेमेस्टर एग्ज़ाम में। जैसे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम जिनका और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग का भी तैयारी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस है। और मैं दोस्तों और क्या कर सकता हूँ यार, और आपकी मदद कर सकता हूँ, बाकी तो सब भगवान के ऊपर और आपके ऊपर है मेरे भाई। आप कितना मेहनत करते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो कोई तैयारी में यार सफल नहीं रहता, ना तो कोई टीचर हुआ ना तो कोई गाइडेंस हुआ, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बहुत इफेक्ट, मतलब इफेक्ट तो रहता है लेकिन जो कुछ करना है तो खुद करना है मेरे भाई, आपको खुद ही करना है यार, वास्तव में खुद करना है। देखो ज़िंदगी में कभी भी निराश होकर मत जियो यार, हमेशा यार यार गम कितना भी रहे लेकिन चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, क्योंकि उससे लगता है कि पता चलता है कि इंसान कभी अपने आप पे मतलब प्रेशर नहीं आने देता। ये चीज़ें मैं अक्सर तो ऐसे ही करता हूँ। देखो दिल की बात किसी को बताना भी मत, बहुत गलत होता है। तो चलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए ये वीडियो है, जो एलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं और इनके एफिलेटेड कॉलेज से हैं। बाकी और भी जैसे सीतापुर हुआ, रायबरेली हुआ, बस और कई कॉलेज हैं, बाकी और अदर यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग के, आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग 11 तारीख से एग्ज़ाम तैयारी कर लीजिए। अब आप लोग 10 दिन हैं आपके पास, आज के आज से 8 दिन है करीबन, और प्लस आप लोग का 22 तारीख तक चलेगा एग्ज़ाम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और तो इसलिए मैं सोचा कि बहुत लोग की क्यूरी थी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, बाकी मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हूँ, जाकर के देख लीजिएगा आप लोग जो है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, भारतीय संविधान का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी। तो टॉप 10 क्वेश्चन आप लोग को जरूरी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे आपको 5 करना रहेगा, तो इसमें से 100% आप लोग को श्योर है जहाँ तक मुझे फंसेगा, बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर है यार, एग्जामिनर ने जो कॉपी बनाएंगे जो आपके पेपर बनाएंगे उनके ऊपर है यार, और बाकी जो ऊपर वाले जान रहे हैं कि बाकी तो मैं तो आपको बता सकता हूँ, बाकी सब उनके बना ऐसा मत करेंगे। सूरज सर कहते हैं कि क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, लेकिन यहाँ तक कि 95% या 99% जो आशा है कि यही आएगा, जो मतलब ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है यार, रियलिटी है कि मतलब देखो भाई सेमेस्टर एग्ज़ाम है लेकिन इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करेंगे ये मतलब इसे यार देखो इंजॉय करके कोई भी चीज़ पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो, मज़ा आता है, मस्ती भी होती है, सब चीज़ें ये स्टूडेंट लाइफ ही सब कुछ कराता है। तो आप लोग हिम्मत हिम्मत हारिए मेरे भाई, आपके पास टाइम नहीं बचा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग को बढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके साइलेंट फीचर्स हैं और आप लोग को जो उसके डिफिनीशन है उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, कैसे क्या बना क्या नहीं बना, डिफिनीशन एंड नेचर, जो साइलेंट फीचर में आप लोग के सब आ जाते हैं 10-12-16 पॉइंट में, मैं आपको पढ़ाया ऑलरेडी, तो उसमें 4 पॉइंट ऐड रहेगा, तो बाकी आप लोग 3 से 4 पेज में जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अच्छे से करिएगा मेरे भाई। देखो थोड़ा पेज कम रहेगा लेकिन जो चीज़ें लिखिएगा टॉपिक वाइज लिखिएगा, बाकी केस अपला बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा, बाकी मैं करवाया हूँ। और आपको दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नाइदर जो है अनटेरिटरी नॉट जो है फेडरल डिस्कशंस, इसके बारे में एकात्मक और संघात्मक जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवेचना इस पर करना है आप लोग को, भारतीय संविधान एकात्मक किस संघात्मक क्या है क्या नहीं है, है कि नहीं है, इसके बारे में सब पूरा ब्यौरा देना है और जिसके सप्ला जरूरी है, तो ये कर लीजिएगा। बाकी अब आप लोग करेंगे जो है एक्सप्लेन, आप लोग जो है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेशन, हाँ जी लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन जो है सेंटर एंड स्टेट, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, इसके जो है पावर क्या है आप लोग के लेजिस्लेशन के जो है पावर हैं क्या क्या नहीं, सेंटर के क्या पावर हैं क्या स्टेट के पावर हैं, ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराया हूँ ऑलरेडी पार्लियामेंट में, आप लोग जाइएगा तो देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग का जो आप लोग का बन चुका प्ले लिस्ट भी क्रिएट है, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करिएगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आप लोग का अगला क्वेश्चन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट आप लोग को क्या करना है, संघ व राज्य के बीच राजस्व वितरण जो होता है उसके बारे में आप लोग को डिस्कस करना है, आप लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सीरीज में भी मिल जाएगा, बाकी सीरीज में तो थोड़ा ना बाकी 3-4 जगह से मैं तो छाट के पढ़ता हूँ, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ मेरे भाई, क्योंकि जान रहे हैं कि थोड़ा एलाइस मतलब बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए तो व्हाट डू यू जो है अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो होता है संसद का विशेषता अधिकार क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में फुल डिस्कस करना है आपको और याद करना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर पावर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी दोस्तों ये प्रेसिडेंट हमें याद आ गया, आईपीसी का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जब जो पावर है जो शक्ति है प्रेसिडेंट की क्या क्या नहीं है इसको आपको करना है, जो कि आप लोग जो आर्टिकल वाइज उसको डिस्कस कर, आर्टिकल भी याद करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में बताया हूँ, बाकी पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है उसकी शक्ति होती है उसके बारे में दो वीडियो बना है, दो लेक्चर है, आप लोग जाकर देख लीजिए। डिस्कस इन द डिटेल्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो ज्यूरिसडिक्शन मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है उसके बारे में विस्तार करना सही से अच्छे से कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट क्या है क्या नहीं है, इसके क्या आर्टिकल है क्या, इसके केस अपला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिएगा क्योंकि इतने सुनसान इलाके में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यार अकेले बैठ करके, तो इतना रात को तो जरूर यार थोड़ा लाइक कर दिया करो यार। देखो आप लोग थोड़ा बहुत उससे मोटिवेशन होता लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं करते कोई बात नहीं यार, अगर मुझे आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी तो ज़रूर करिएगा और नहीं तो बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप लोग को नहीं ध्यान मेरा ध्यान है मेरा काम क्या है यार लोगों को मतलब प्रॉब्लम का जो है हल निकालना सोल्यूशन निकालना, लोगों की मदद करना बस और कुछ नहीं यार, बस आगे आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन आप लोग को करना है जो है जो है इनरेट ऑफ द इमरजेंसी, जो इमरजेंसी प्रोविजन है आप लोग का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल है क्या कह रहा है 352, 356, 360 ये आप लोग का आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ जाकर के देख लीजिएगा और उसको सही से लिख लीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी पेन निकाल करके इसको लिखिएगा मेरे भाई, और बाकी आप लोग जो है लिखने की प्रैक्टिस करिए, आप लोग 10-15 क्वेश्चन लिख लीजिए, 5-5 क्वेश्चन याद हो जाए, मजाक नहीं कर रहा, लिखने से बहुत जल्दी याद होता है, मतलब जो मैं यूज करता हूँ उसको बता रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करिए या ना करिए उस आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ही सब कुछ है मैं तो करने आऊँगा। अगला क्वेश्चन है आपको अमेंडमेंट ऑफ द जो है फंडामेंटल राइट्स की होती है, अमेंडमेंट क्या होता है भारतीय संविधान में क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती, उसकी फंडामेंटल राइट ड्यूटी को जो है अमेंडमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग का लास्ट है फ्रीडम ऑफ द ट्रेड ऑफ कॉमर्स एंड जो है आप लोग का मतलब जो फ्रीडम होती है उसकी कॉमर्स की जो क्या चीज़ें कहाँ नहीं करना है कहाँ नहीं करना है कोर्स इन इंडिया मतलब पूरे भारत में ये चीज़ें होना चाहिए, ये आप लोग याद कर लीजिए। बस 10 क्वेश्चन आप लोग के 10 से आपको 5 क्वेश्चन फंसेगा मेरे भाई फंसेगा, जानिए आराम से मौज करिए मस्त से और अच्छे से पढ़िए, बाकी लिखने की प्रैक्टिस बना लीजिए क्योंकि दिक्कत होगा वहाँ लिखना आपको 4-5 पेज में एक क्वेश्चन, लेकिन बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के उसमें थोड़ा डर भी लगता है। चलिए BA BSc में आप लोग किए होंगे तो लिखे होंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ और थोड़ा अलग होकर के रहेगा क्योंकि आप लोग कई लोग गाँव से BA BSc किए होंगे तो अब यूनिवर्सिटी में आया तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं आप लोग को 3 पढ़ाया हूँ, तो 4 हो गए आज, चौथा हो गया आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गए कंप्लीट हो गया, आप लोग का PIL बचा और फैमिली लॉ बचा, तो वो अभी जो है आज शाम तक हो सके अपलोड हो जाएगी वीडियो, बस आप लोग को अब खाली पढ़ना है बस। थैंक यू, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके भी वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत होगी तो फिर से दोबारा मैं समझा दूंगा अच्छे में, इंग्लिश हो या हिंदी हो चाहे जो, बाकी अगर कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई खबर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे भाई, थैंक यू।